सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रामैन में। आज है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केतली जो वर्क नहीं कर रहा है। आज हम इसे रिपेयर करेंगे और बहुत आसानी से हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे भी आप भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत आसान है रिपेयर करना। आप सिर्फ एक पेचकस की मदद से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 स्क्रू मिलेंगे, इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद बहुत आसानी से हमारा ये कवर बाहर आ जाता है। ये हमारा कनेक्टर दिख रहा है, कनेक्टर के जस्ट पीछे हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है, उसी को हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम वायरिंग को छुड़ा लेंगे, उसके बाद से 3 नट दिए हुए हैं उन्हें खोलना होगा। चलिए फटाफट नट को खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा थर्मोस्टेट बाहर आ चुका है। थर्मोस्टेट ये हमारा स्विच का काम करता है। इस पे पानी गर्म जब होता है तो उसके भाप से यहाँ पे जंग लग जाता है। चलिए इस पेचकस की मदद से हम इसके पॉइंट्स को क्लीन करेंगे। पेचकस को हमें उस पर रगड़ना होगा ताकि इस पे जंग हट जाए। हमारा थर्मोस्टेट रेडी है, चलिए इसे फिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट फिट करके आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसके वायरिंग कर लेते हैं। स्क्रू हमारा सारा लग चुका है, ये सॉकेट ढीला है, इसे हम क्लैंप की मदद से टाइट कर लेंगे। हमारा कोई भी सॉकेट ज़रा सा भी ढीला रहेगा तो काम नहीं करेगा, एकदम टाइट हमको इसे बैठाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। स्विच ऑन करने पे देखिए हमारा लाइट जलने लगा, ये बिल्कुल रेडी है।